एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डैक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में देख रही हूं क्या है आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन के मन में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ चला, क्या इस इंसान ने आपको सुबह से लेकर अब तक याद करा भी या नहीं करा, तो किस तरह से और क्या, ये सभी चीजें मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। व्यूअर्स, आपको बस और बस ये याद रखना होगा, ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट करने के आपको यही कोशिश करनी है कि आप वो औरों के लिए छोड़े। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि जो भी रीडिंग है व्यूअर्स, मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं। फोकस बस और बस आप अपने पर्सन के ऊपर बना लीजिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं सुबह से लेकर अब तक ये किस एनर्जी में रहे और आपको लेकर इस इंसान ने कैसा महसूस करा है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही है, व्यूअर्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। लाइफ एक्सपीरियंस, स्टॉप ब्रेकिंग एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्म एंगर, टेक पॉजिटिव एक्शंस, बिकम मोर ऑब्जेक्टिव, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज के बारे में, बताइए डिवाइन, प्लीज स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए, बताइए। स्ट्रेंथ, डिसरेस्पेक्टफुल, फीलिंग सॉरी, क्विक गॉड। देखिए, ऐसे चांसेस देख पा रही हूँ जैसे कि इस इंसान को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, लेकिन अभी पर्सन कहीं ना कहीं इसी चीज पर ज्यादा काम कर रहे हैं, यानी कि गुस्सा ना करने की कोशिश ये पर्सन ज्यादा कर रहे हैं। शॉर्ट टेम्पर ये पर्सन डेफिनेटली है। यहाँ पर ना इस इंसान के थ्रू कहीं ना कहीं आपको लेकर ये चीजें बहुत ज्यादा सोची जा रही हैं, ओवर एनालाइज करी जा रही है कि आपको जिंदगी का एक्सपीरियंस इन्होंने दे दिया, या अब आप इस रिश्ते को, इस ब्रेकअप को एक एक्सपीरियंस के तौर पर लेकर चल रहे हो और इसी एक्सपीरियंस ने आपको मजबूत कर दिया है, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हो और यही स्ट्रेंथ अब आपको इस इंसान के लिए कहीं ना कहीं इस तरह से तैयार कर रही है कि अब आप इन्हें रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हो, वो रेस्पेक्ट जो पहले आप इन्हें दिया करते थे। एज एन जब से इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते का, ये जो भी एग्रीमेंट था, चाहे मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे, इस तरह से आप लोगों ने कोई बात एक दूसरे से बोल रखी थी, तो जब से इस इंसान ने इस रिश्ते के एग्रीमेंट को तोड़ा, तब से कहीं ना कहीं ये आपके जो आप इन्हें इज्जत देते थे, वो इज्जत आपकी नजरों में इस इंसान के लिए खत्म हो गई है। और अब ये पर्सन उस एनर्जी में है कि अगर आप हो सके तो इन्हें उस चीज के लिए माफ कर दो, उन सभी चीजों के लिए ये काफी ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ पर ये भी मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही है, जब इस एग्रीमेंट को तोड़ा गया इनके माध्यम से, तब इस इंसान ने बहुत ज्यादा आप पर गुस्सा भी करा, बहुत सारी चीजें अच्छी बुरी आपसे कही और उन सभी का आरोप भी इन्होंने आपके ऊपर लगाया, लेकिन उन सभी चीजों ने इस इंसान के लिए आपके दिल में ना प्यार को, इज्जत को, सबको खत्म कर दिया। उस चीज को ये पर्सन सुबह सुबह काफी ज्यादा महसूस कर रहे हैं कि उस गुस्से ने आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस दे दिए हैं। यहां पर अब जितना ज्यादा ये आपकी तरफ से किसी तरह के पॉजिटिव एक्शंस की उम्मीद कर भी रहे हैं या रखना भी चाह रहे हैं, उतना ज्यादा इन्हें वो उम्मीद अपनी तरफ से टूटती हुई नजर आ रही है। एज एन
पहले भले आपने कोशिश कर ली होगी, कॉल वॉल कर लिया होगा, लेकिन कोई तो लास्ट कन्वर्सेशन आपका ऐसा हुआ जिसमें ना चीजें आपकी साइड से भी खत्म हो गई। जब तक कोशिश ही थी तब तक कहीं ना कहीं चीजें आपकी साइड से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अगर आपकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आना, कोई एक्शन आना खत्म हो गया है, तो अब ना आपकी तरफ से भी कोशिशें खत्म हो गई हैं। और यही चीजें इस इंसान को, व्यूअर्स, खुद को भी एक एक्सपीरियंस दे रही हैं कि गुस्सा कितनी बुरी चीज है। इस गुस्से की वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। अब ये इंसान आपको इसीलिए स्पाई कर रहे हैं उस होप के साथ, उस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल आप शायद फिर से कोशिश करोगे, फिर से आपकी तरफ से एक्शंस आ सकता है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ये वाइब्रेशंस इन्हें ज्यादा अब महसूस हो रही है। इन सभी चीजों के बाद आप ना ऑब्जेक्टिव बन गए हो, एज एन अब आप ना प्यार, रिश्ता, इमोशन, कनेक्शन, इन सबको नहीं देख रहे हो। अब आप इससे भी हटकर चीजें देख रहे हो, मतलब एज एन कि आपकी सोच में, आपके नजरिए में बहुत सारे बदलाव आए हैं। वही बदलाव अब आपको इस इंसान की तरफ कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करने से रोक रही हैं। तो इनको ना ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स कि आपको ना शुरू में जब इन्होंने एग्रीमेंट तोड़ा तब इतनी बातें नहीं चुभी, तब चुभी लेकिन इतनी नहीं चुभी जितनी इन्होंने जब आप पर गुस्सा अपना एक्सप्रेस करा, गुस्सा जब इन्होंने आप पर छोड़ा तब आपको ज्यादा बातें बुरी लगी और उन्हीं चीजों ने आपको पूरी तरह से रोक लिया। तो इन्हें ऐसा लग रहा है सुबह सुबह कि बेसिकली व्यूअर्स इन्हें होना हो, कुछ भी हो, चीजें प्रॉब्लम में थी या जो भी प्रॉब्लम थी, इन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था, इन्हें आपके कॉल, टेक्स्ट, मैसेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, इन्हें जवाब देना चाहिए था, क्योंकि इन्हीं सभी चीजों ने आपको मजबूत कर दिया। देखो इंसान मजबूत कैसे होता है, वो अपने आप को कब पहचानता है, जब उसकी लाइफ में बहुत सारे दुख तकलीफ होते हैं। उससे पहले तो किसी ना किसी तरह से वो किसी पर डिपेंड होता है। जब उसे सभी चीजें खुद करनी होती है ना, शुरू में प्रॉब्लम होती है लेकिन एंड द रिजल्ट वो उन सभी चीजों को लेकर अपने आप को मजबूत बना लेता है या बना लेती है, और आप वही मजबूत बन रहे हो। वो चीजें इन्हें सुबह सुबह बहुत फील हो रही हैं, ठीक है। और आपका मजबूत होना इस इंसान का आपकी नजरों से उतरना, दोनों साथ में चल रहा है, पैरेलल चल रही है दोनों चीजें। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस करा है, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी है। यहाँ पे व्यूअर्स स्टार आपका रिवर्स्ड में आया है, यानी कि आपका एक्वेरियस। देखो ये पर्सन यहाँ पर ये चीजें तो है कि आपको देख रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं, या अपनी अपनी सोच के माध्यम से इस इंसान के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपको सोचा जा रहा है। लेकिन जितना ज्यादा इनके थ्रू आपको सोचा जा रहा है उतना ज्यादा इस इंसान को आप अपनी साइड से रिश्ता इस पर्सन को लेकर जो उम्मीदें बहुत लंबे समय से बटोरते हुए दिखाई दे रहे थे ना, वो उम्मीदें आप अब छोड़ते हुए इन्हें नजर आ रहे हो। मतलब इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके उस डार्क साइड को देखकर, इनके उस बिहेव को देखकर कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते से कोई उम्मीद भी नहीं रखना चाहते हो। बजाय वो उम्मीद रखने के जितनी जल्दी हो सके आप उन सभी उम्मीदों से अपने आप को बाहर निकालने में ज्यादा फोकस्ड हो। यही चीजें आपको स्ट्रेंथफुल कर रही हैं, क्योंकि देखो जब तक आप उम्मीदें रखते हो किसी और से, एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तब तक आप कमजोर पड़ते हो, लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं वहीं से इंसान का पुनर्जन्म होता है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है सुबह सुबह कहीं ना कहीं आपका लाइफ का एक्सपीरियंस इनके साथ जो भी रहा है ना वो आपको मजबूत कर गया है, और वही मजबूती अब आपको बजाय इस इंसान में किसी तरह की उम्मीदें बटोरने के, रखने के, उन सभी उम्मीदों को बहाने के लिए आपको इन्फ्लुएंस कर गया है। तो
तो इन्हें ऐसा लग रहा है अब आप इस इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखना चाह रहे हो, शायद यही रीजन बन रहा है आपकी तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज ना आने के पीछे का। राइट की जो बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर और सुबह सुबह क्या फीलिंग्स रही हैं, क्या कुछ इनके दिल में चला, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। डेथ स्कॉर्पियो की एनर्जी है ये, लेकिन डेथ यहाँ पे रिवर्स में आया है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके भले आपने इस रिश्ते से उम्मीदें छोड़ दी हैं या आप छोड़ना चाह रहे हो, लेकिन ये नहीं, ये इस रिश्ते को टूटने से बचाना चाह रहे हैं। इनके दिल में ये चीजें ज्यादा जागी है कि इस रिश्ते को अब खत्म नहीं होने देंगे। जो इनसे गलती हुई वो हुई, लेकिन अब ये हर वो काम करेंगे जिससे ये रोक सके इस रिश्ते के एग्रीमेंट को टूटने से। उसके लिए ये पर्सन हो सकता है बहुत सारे स्पेल वर्क कर रहे हो, बहुत ज्यादा चीजें ऐसी कर रहे हो जिससे आपकी तरफ से खुद ब खुद कॉल टेक्स्ट या मैसेज आ जाए, आप खुद ब खुद इनकी तरफ चल के आ जाओ, ये रिश्ता फिर से इनकी तरफ बढ़ जाए। जो रेस्पेक्ट आपके दिल में इनके लिए खत्म हो गई थी, वो रेस्पेक्ट यहाँ पे आपके अंदर एक जरूरत के तौर पर डेवलप हो जाए और वही जरूरत आपको इस इंसान की तरफ फिर से खींच कर ले आए, तो वो फीलिंग्स इनकी है। ये नहीं चाहते डेफिनेटली इस रिश्ते को टूटना, क्योंकि बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को भी। राइट कीजिए बताइए डिवाइन, सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर क्या बनी है, राइट कीजिए बताइए डिवाइन। सेवन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि। ये पर्सन डेफिनेटली व्यूअर्स देखो ये चीजें समझ रहे हैं कि इनकी गुस्से की आग की वजह से ही ना इनकी हस्ती खेलती दुनिया, हंसता खेलता रिश्ता सब जलकर तबाह हो गया, सब जलकर राख हो गया। अगर कुछ बचा है ना तो वही चीजें अब इनके हाथ में बची हैं जो इन्होंने एक वक्त पे आपको दी, ठीक है, या आपने इन्हें दी, वो है तो इनके पास, लेकिन और उसके आसपास की सभी चीजें जलकर राख हो गई हैं, खाक हो गई है, और उन्हीं चीजों को देख देख कर ये इंसान काफी ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। और वही एहसास इस इंसान को अपने आप को बदलने के लिए, अपने गुस्से पर काबू करने के लिए, अपने आप पर काबू करने के लिए नहीं बोल रहा है, यानी कि ये पर्सन इस रिश्ते को टूटने से रोकने के लिए अब अपने आप को भी बदलने के लिए तैयार है, कुछ उस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन है, ठीक है। ट्राई कीजिए बताइए डिवाइन, सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी है, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स मॉर्निंग की क्या बनी है। द वर्ल्ड पॉसिबिलिटीज है आप लोगों के बीच में, अब दूरियां आ चुकी हैं, ज्योग्राफिकली लेवल पर यहाँ पर दूरियां हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन इन सभी चीजों के बाद आपकी तो वैल्यू समझ रहे हैं और वही वैल्यू इस इंसान को आपको ढूंढने के लिए, आपको स्पाई करने के लिए इन्हें बोल रही है, या अब यहाँ पर जो भी एक्शंस इनके थ्रू लिया जा रहा है, लेने के बारे में सोचा जा रहा है, वो पॉजिटिव वे में, ना कि वो नेगेटिव वे में जिसकी वजह से इस इंसान ने अपनी दुनिया को तो है ही है, लेकिन आपकी दुनिया को भी जलाकर राख कर दिया। ये इंसान ये तो समझ रहे हैं कि इन दूरियों ने इन्हें आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू समझा दी, लेकिन इन दूरियों ने इनकी वैल्यू, इनकी अहमियत आपकी नजरों से गिरा दी है। वो चीजें इस इंसान को काफी पिंच कर रही हैं, टीज कर रही हैं वो चीजें इन्हें, इसीलिए इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं। जितना स्पाई करा जा रहा है उतना आप मिल नहीं रहे हो, उतना आप इन्हें गायब नजर आ रहे हो, और वही चीजें इस इंसान को अपसेट कर रही हैं, या एक कह सकते हो उम्मीदें तोड़ रही हैं इस वे में कि आपकी तरफ से तो अब कोई एक्शन नहीं आने वाला। राइट कीजिए बताइए डिवाइन, सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी है, राइट कीजिए बताइए। फाइव ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। इनको सुबह सुबह ये चीजें फील हो रही हैं व्यूअर्स की ये हार गए,
आपके प्यार के आगे, ये हार गए हैं अपने ईगो के आगे जो इन्होंने आपको दिखाया, ये हार गए आपसे कहे हुए शब्दों के बाद कहकर, जो उस वक्त तो डेफिनेटली इन्हें जिता गए लेकिन अल्टीमेटली आपको इनसे दूर कर गए, आपको ये हार गए। तो ये एहसास इस इंसान को व्यूअर्स डेफिनेटली ना जीत कर भी बहुत तगड़ी हार जैसा महसूस करा रहे हैं आपको। उस वक्त पे इस इंसान ने घुटनों पर भले ला दिया हो, सर भले आपका झुका दिया हो, अपमान भले आपका कर दिया हो, अपशब्द भले आपको बोल दिए हो, लेकिन इन सभी चीजों ने आपको इनसे उतना ही दूर भी कर दिया। ये एहसास इस इंसान को डेफिनेटली हो रहा है सुबह सुबह, और मुझे बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट कन्वर्सेशन इस इंसान की तरफ से जो भी हुआ है ना आपके साथ, वो बहुत ही ज्यादा रफ, बहुत ही ज्यादा तोड़ गया है आपको। तो वो मुझे इस पर्सन की एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। चलिए मैं देखती हूँ इस इंसान के मैसेजेस कहना क्या चाह रहे हैं अब आपसे, सुबह सुबह से लेके अब तक। देखो यहाँ पे ना मेजर अरकानास बहुत आए हैं, मतलब बहुत सही रीडिंग गई है ये, जैसे यूनिवर्स वॉन्ट टू से समथिंग, यूनिवर्स आपसे कहना चाह रही है कि आपको अगर इस चीज का गिल्ट है ना, यार मैंने बदला, मैं क्यों चुपू, शायद मुझे कोशिश करनी चाहिए, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है आप जो भी कर रहे हो ना अब इस मोड़ पे आके, वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए कर रहे हो। जिस इंसान ने आपको रेस्पेक्ट नहीं दी, वो इंसान खुद भी कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे आके रेस्पेक्ट खुद भी डिजर्व नहीं करता। अगर इस इंसान को रेस्पेक्ट चाहिए तो देनी पड़ेगी, और उसके लिए एफर्ट्स भी उसे करने पड़ेंगे। तो इस रीडिंग के थ्रू मैं ये चीजें ना एक यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस के तौर पर इंट्यूटिवली फील कर पा रही हूँ, ठीक है। बाकी का आप इस चीज को अपने हिसाब से लेंगे, देखिए सबके परसेप्शन अलग अलग होते हैं। चलिए देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए इन सभी फीलिंग्स, इन सभी एहसास के साथ व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं, गाइड कीजिए। प्लीज डोंट हेट मी, इन्हें ये फील हो रहा है ना कि आप अब इनसे नफरत कर रहे हो। कभी एक वक्त पे आप इन्हें आई लव यू बोलते थे, और आज कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कोई भी पल नहीं होता होगा जब आपके मुंह से आई हेट यू ना निकलता हो। इन्हें आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस, तो ये पर्सन आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझाने चले थे, लेकिन इस चीज ने इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझा दी। ये चीजें मैं आपसे बोल चुकी हूँ, आई विल हैप्पी इफ यू चूज मी, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे अगर आप इन्हें चूज करते हो, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्ट उसी वे में करा जा रहा है। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी, डर लग रहा है इस चीज से कि अगर आप इनके बिना खुश रहना सीख गए तो, ठीक है। And why did you leave? I don't trust you anymore. आप इन्हें जो छोड़कर गए हो ना, इनकी इस जीत के फतेह लहराते वक्त, तो वो चीजें इन्हें परेशान कर रही हैं। वही चीजें कहीं ना कहीं इनके भरोसे को भी तोड़ रही हैं। चलिए इस रीडिंग के रिगार्ड यहाँ पे कान्हा जी से पूछते हैं, कान्हा जी आपको किस तरह से गाइड करना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कान्हा जी, ठीक है व्यूवर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। खाना जी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, सरेंडर, न्यू बिगनिंग, द एंड। देखो आपसे बोला जा रहा है व्यूअर्स, जो भी आपकी लाइफ में दुख तकलीफ चल रही है ना, उसको एज अ स्ट्रगल लेकर मत चलो, उसे एज अ बर्डन लेकर मत चलो। वो तब तक तकलीफ ज्यादा देंगी जब तक आप उसे अपने भगवान को, अपने ईस्ट को, जिसको भी आप मानते हैं, उन्हें नहीं सौंपोगे। वो तब तक आपके लिए एक स्ट्रगल के तौर पे काम करती रहेंगी। आपसे बोला जा रहा है उसे सरेंडर तो बॉस करना पड़ेगा, जब तक सरेंडर नहीं करोगे, अतीत को बार बार अपने दिमाग में चलाते रहोगे और उसको इतना मैनिफेस्ट कर लोगे कि वो खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। बार बार जो कुछ लोग कहते हैं ना कि वही चीजें हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, वही वो कर रहा है, पहले भी ऐसे कर रही थी, अब भी ऐसे ही कर रहा है, रीजन इज आप उस चीज को रिपीट एंड रिपीट अपने दिमाग में चला रहे हो पहाड़े की तरह। सरेंडर कर दो, रिपीट होनी बंद हो जाएंगी,
वक्त लगेगा क्योंकि इतना ज्यादा उसे चला चुके हो, उसको इतना ज्यादा उसका रिवीजन कर चुके हो, तो चलेंगी जब तक वो जितने टाइम रिवीजन करा है उस चीज का उतने टाइम तो चलेंगी। लेकिन अब सरेंडर कर दो, आपसे बोला जा रहा है जैसे ही उसे सरेंडर करोगे ये रिपीट वाली जो चीजें हैं रिवीजन वाली एंड होंगी, और जब वो एंड होगी तभी तो रिजल्ट आएगा एक नई शुरुआत के वे में। लेकिन रिवीजन करना छोड़ दो, इतना रिवीजन तो आपने जब आप हाई स्कूल या इंटर के बोर्ड के एग्जाम दे रहे होंगे ना तब भी आपने रिवाइज नहीं करा होगा जितना आपने अपने पास्ट को, अपने बुरे वक्त को रिवीजन के तौर पे अपने दिमाग में चला लिया। तो आपसे यूनिवर्स या डिवाइन, हमारे प्रभु कान्हा जी, हमारे लड्डू गोपाल यही बोल रहे हैं, भाई सरेंडर कर दो अभी, ठीक है, तभी तो नई शुरुआत होगी और तभी पुराना खत्म होकर नए वे में आपके सामने आएगा। अब क्या चाहते हो, पर्सन को चाहते हो या नहीं ये डिसाइड करो और फिर उसे मैनिफेस्ट करो, फिर उसका रिवीजन करो जो चाहते हो। उस चीज को क्यों रिवाइज करना जब उसे चाहते ही नहीं हो। तो बस ये गाइडेंस आपके लिए इस रीडिंग में कान्हा जी दे रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा ताकि जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूं मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय बाय।